नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 3 अप्रैल। सुर्खियों की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप क्रिकेट से जुड़ी खबरों से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल चक दे क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चले बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। एमएलसी चुनाव में सोमवार को प्रत्याशियों के भाग्य का होगा फैसला। दरोगा मेंस में कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट लाना होगा अनिवार्य। बिहार में अब आसान होगी प्रवासी मजदूरों की पहचान। बिहार में चला विशेष जांच अभियान। लोगों की समस्याओं का तुरंत ही निष्पादन करे अभियंता। तो चलिए बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एमएलसी चुनाव में सोमवार को प्रत्याशियों के भाग्य का होगा फैसला। बिहार विधान परिषद चुनाव का प्रचार थम गया है। बिहार विधान परिषद के 24 स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्रों के लिए हो रहे चुनाव के लिए प्रचार शनिवार शाम 5 बजे थमा। चुनाव आयोग द्वारा राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों में सोमवार को मतदान कराया जाएगा। आयोग की तरफ से मतदान को लेकर सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। मतदाताओं के लिए खास गाइडलाइन भी जारी की गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस चुनाव में कुल 187 प्रत्याशियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। विधान परिषद चुनाव को लेकर राज्य भर में 200 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे रामनाथ गोयनका की। रामनाथ गोयनका एक भारतीय अखबार के प्रकाशक थे। उन्होंने 1932 में द इंडियन एक्सप्रेस लॉन्च किया और विभिन्न अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा प्रकाशनों के साथ इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप बनाया। 2000 में इंडिया टुडे पत्रिका में उन्हें भारत को आकार देने वाले 100 लोगों की सूची में भी नामित किया गया। रामनाथ गोयनका पत्रकारिता पुरस्कारों में रामनाथ गोयनका उत्कृष्टता, रामनाथ गोयनका के नाम पर भारतीय पत्रकारों के लिए सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार समारोह में से एक बन गए। रामनाथ गोयनका का जन्म 22 अप्रैल 1904 को दरभंगा बिहार में बसंत लाल गोयनका के यहां पर हुआ था। उनकी शिक्षा बनारस में हुई थी और उनके परिवार ने 1922 में यार्न और जूट के डीलर बनने के लिए मद्रास भी उन्हें भेजा था। शिक्षिकाओं को ऐच्छिक तबादले के लिए करना होगा इंतजार। बिहार के सभी शिक्षिकाओं को ऐच्छिक तबादले के लिए और ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इसको लेकर अब तक पोर्टल बनाने का काम हुआ ही नहीं है और न ही अब तक ट्रांसफर की बात कही गई है। इतना ही नहीं, अभी तैयारियां भी शुरू नहीं की गई। हाल ही में बिहार विधानमंडल के बजट सत्र में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इससे जुड़े विधायक संदीप सौरभ के सवाल पर साफ साफ कहा था कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के रिक्त पदों पर संचालित 6ठे चरण के नियोजन के बाद ही ऐच्छिक तबादले की कार्रवाई की जाएगी। यानी कि अब राज्य के 80,000 से अधिक स्कूलों में कार्यरत ऐसी नियोजित शिक्षिकाएं जो मायके में रहती हैं और इस पेशे में आ गई हैं, उन्हें अपनी ससुराल जाकर के रहने और उनके आसपास के स्कूलों में पद स्थापित होने की चाहत पूरी होने में अभी और देर लगेगी। दरोगा मेंस में कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट लाना होगा अनिवार्य। बिहार में भले ही कोरोना के मामलों में कमी आ गई हो, लेकिन अलग अलग देश की तरफ से साझा की जा रही अपडेट के अनुसार चौथी लहर की आशंका अभी से ही जताई जाने लगी है। यही कारण भी है कि अब बिहार में ढील देने के मूड में प्रशासन नजर नहीं आ रही है, जिसके बाद ही बिहार पुलिस के अधीन पुलिस अवर निरीक्षक और सार्जेंट अवर निरीक्षक के पदों पर चयन के लिए प्रारंभिक लिखित परीक्षा में क्वालिफाई अभ्यर्थियों के लिए 24 अप्रैल को मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें शामिल होने के लिए प्रवेश पत्र 5 अप्रैल से बिहार पुलिस सेवा आयोग की वेबसाइट www.bpssc.bih.nic.in पर उपलब्ध रहेगा। इसके साथ ही सभी छात्रों से अपील की गई है कि वो अपने साथ RT-PCR सर्टिफिकेट या फिर कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट को जरूर लेकर आए। दिखा रमजान का चांद, आज से रोजा शुरू। इस्लामिक कैलेंडर के 9वें महीने रमजान की शुरुआत हो चुकी है। रविवार से लोग रमजान का रोजा रखने लगेंगे। बिहार की राजधानी पटना में फुलवारी शरीफ स्थित खानकाह मुजीबिया के प्रशासक हजरत मिनहाजुद्दीन कादरी ने बताया है कि रमजान मुबारक महीने का चांद शनिवार को लखनऊ, हैदराबाद सहित भारतवर्ष के कई हिस्सों में देखा गया। उन्होंने कहा कि चांद देखे जाने के साथ ही रमजान महीने की शुरुआत हो गई है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपनी तरफ से रमजान की शुभकामनाएं दी हैं, जिसके तहत उन्होंने बीते दिन अपना ट्वीट जारी करते हुए कहा कि रमजान के पवित्र महीने के प्रारंभ होने पर राज्यवासी, विशेषकर मुस्लिम भाई बहनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ओडिशा लोक सेवा आयोग OPSC ने निकाली रिक्तियां। ओडिशा लोक सेवा आयोग ने सहायक मत्स्य अधिकारी के कुल मिलाकर 177 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास मत्स्य विज्ञान स्नातक में डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 4 मई 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.opsc.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। बिहार में मौसम की दिख रही अटखेलियां।
बिहार का मौसम फिलहाल समझ से परे है। कभी लू भरी हवा तो कभी आसमान में बादल देखने को मिल रहे हैं। हालांकि बिहार के 6 जिले प्रचंड गर्मी के चपेट में भी है। इन जिलों में पछुआ हवा ने कहर मचाया हुआ है। आपको बता दें कि बिहार के गया, औरंगाबाद, रोहतास, जमुई, बांका और बक्सर जिले में अधिकतम पारा 40 डिग्री के पार चला गया। पिछले 2 दिनों में इन जिलों में 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ हवाएं बह रही है। साथ ही राज्य में अन्य हिस्सों में भी पूर्वा हवा का प्रभाव है। इस वजह से औसत अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री के बीच है। पटना में भी पारा सामान्य के आसपास है और आसमान में आंशिक तौर पर बादल छाया हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को गर्मी से थोड़ी बहुत राहत मिली है। इतना ही नहीं, कई जिलों में बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। बिहार झारखंड के बीच नदी के रास्ते यात्रा पर लगा प्रतिबंध। बिहार से झारखंड जाने के लिए अब आप नदी का रास्ता नहीं ले सकेंगे, क्योंकि हाल ही में झारखंड के साहिबगंज से कटिहार बिहार के मनिहारी गंगा घाट आने के दौरान एक मालवाहक जहाज अनियंत्रित हो जाने से जहाज में सवार 6 गिट्टी लदे ट्रक गंगा नदी में समा गए थे, जिसमें 2 लोगों की जान भी चली गई थी। वहीं ट्रक मालिकों को भी भारी नुकसान हुआ था। लेकिन इस बीच अब लंबी दूरी, अधिक भाड़ा और अधिक समय से बचने के लिए हर दिन इस जलमार्ग को होकर बिहार झारखंड की दूरी तय करने वाले लोगों के सामने नई परेशानी आ गई है। हादसे के बाद से 2 राज्यों के प्रशासन ने जहाज परिचालन पर ही रोक लगा दी है, जिससे यकीनन फायदा छोटे नाव वालों को खूब हो रहा है। बिहार में अब आसान होगी प्रवासी मजदूरों की पहचान। कोरोना काल में जितनी संख्या में बिहार में प्रवासी मजदूरों की वापसी हुई थी, उससे बाद एक के बाद एक साफ हो गया था कि बिहार में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, जिसके कारण ही हर साल भारी संख्या में बिहार से प्रवास होता है। इस बीच अब बिहार सरकार ने प्रवासी मजदूरों की पहचान करने की तैयारी कर ली है। इसको लेकर ही बिहार का श्रम संसाधन विभाग जल्द ही विशेष सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रवासी मजदूरों का डेटा तैयार करने की सुविधा होने वाली है। आंकड़ा रहने पर मजदूरों की खोज करने में भी सरकार को अब सुविधा होगी कि किस राज्य में कितने बिहारी काम कर रहे हैं। विभागीय अधिकारियों की माने तो कोरोना काल में लगभग 20 लाख मजदूर विभिन्न राज्यों से घर वापस लौटे थे। इसके बाद ही उन्हें उनके गांव के पास स्कूल या सरकारी भवन में रखा गया था। बिहार में जन्म पंजीकरण में हुआ सुधार, लेकिन इस काम में अभी भी सुस्ती। बिहार में जन्म पंजीकरण के काम में अब सुधार होने लगा है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 100 में से 95 से अधिक नवजात शिशुओं का पंजीकरण होने लगा है, और कोशिश भी यही की जा रही है कि बाकी शिशुओं के पंजीकरण के लिए भी कोशिश की जाए। यही उपलब्धि बीते 8 साल में हासिल हुई है। यही हाल रहा तो सालों में एक के बाद एक अपवाद को छोड़कर हर साल शिशु जन्म पंजीकरण की संख्या बढ़ी है। जानकार मान रहे हैं कि अगर रफ्तार ऐसी ही रही तो आने वाले सालों में 100% पंजीयन का लक्ष्य हासिल हो जाएगा। एनसीसी की सी सर्टिफिकेट परीक्षा हुई रद्द। बिहार झारखंड के एनसीसी निदेशालय ने एनसीसी सी सर्टिफिकेट के लिए होने वाली परीक्षा पेपर लीक होने की खबर हाल ही में मीडिया में सामने आई थी, जिसके बाद अब इस परीक्षा को ही रद्द कर दिया गया है। एनसीसी निदेशालय की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार ऐसा पहली बार हुआ है कि पेपर लीक के चलते एनसीसी की परीक्षा को रद्द करना पड़ गया हो, जिसके बाद अब उम्मीद यही है कि एनसीसी की इस परीक्षा को दोबारा से 11 अप्रैल को करवाया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि एनसीसी की इस परीक्षा में बिहार झारखंड के मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पटना, गया और हजारीबाग और रांची ग्रुप के 6000 से ज्यादा कैडेट लिखित परीक्षा में शामिल हुए थे। बिहार में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी निकला धन कुबेर। बिहार में बीते कुछ दिनों से सरकार के नाक के नीचे बनने वाले धन कुबेरों की कोई कमी नहीं दिख रही है। एक के बाद एक कई अधिकारी ऐसे निकल करके सामने आ रहे हैं, जिनके खिलाफ ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। इसी सूची में अब बिहार में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी का नाम इसमें शामिल हो गया। मुजफ्फरपुर जिले के मुशहरी प्रखंड में पदस्थापित आपूर्ति पदाधिकारी संतोष कुमार के आवास पर निगरानी विभाग की टीम ने छापेमारी की, जिसके तहत ही टीम ने संतोष कुमार के मुजफ्फरपुर, हाजीपुर और पटना स्थित घरों को खंगाला है। छापेमारी के दौरान मुजफ्फरपुर में 12 लाख रुपए कैश और 1 किलो सोना मिलने की प्रारंभिक जानकारी भी मिली। इसके अलावा हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और दिल्ली में आलिशान घर और फ्लैट के दस्तावेज भी मिले हैं। बिहार के इस एयरपोर्ट पर फिर से शुरू हुई एम्बुलिफ्ट सर्विस। विमान से सफर करने वाले यात्री, खासकर की बुजुर्ग यात्रियों के लिए खुशखबरी। अगर आप भी विमान से सफर करते हैं तो आपका पटना एयरपोर्ट से सफर आसान और आरामदायक होने वाला है, क्योंकि पटना एयरपोर्ट पर बीते दिन से ही यात्रियों की सहूलियत के लिए एम्बुलिफ्ट की सुविधा शुरू कर दी गई। यह सेवा खासतौर से मरीजों और बुजुर्ग यात्रियों के लिए शुरू की गई है। इसके लिए यात्रियों को 100 रुपए देने होंगे। दिव्यांग और बुजुर्ग यात्री इसका उपयोग 100 रुपए शुल्क से इलाज से करवा सकते हैं। कई बार गंभीर मरीज उपचार के दौरान कई तरह के लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर होते हैं। ऐसे में स्ट्रेचर के सहारे रैंप के जरिए मरीज को विमान में चढ़ाने और उतारने के दौरान झटका लगने का खतरा भी बना रहता है। मुंगेर के किला में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास।
लोग इस किले को मीर कासिम के किले के नाम से भी जानते हैं। इस किले का निर्माण कब हुआ इसको लेकर संदेह है, क्योंकि कई इतिहासकार इसे महाभारत काल से भी जोड़ते हैं। पवित्र नदी गंगा के किनारे ये किला एक पहाड़ी पर स्थित है। भारत के अन्य किलों की भांति ये किला भी अद्भुत वास्तुकला के लिए जाना जाता है। इस ऐतिहासिक संरचना का भ्रमण कर आप बिहार के अतीत को कुछ हद तक समझ सकते हैं। ये एक घेराबंद किला है जिसके चारों तरफ चार द्वार बने हैं। ये किला दो पहिया के साथ ही लगभग 222 एकड़ में फैला हुआ है। किले के अंदर प्रवेश करते ही आपको कई कब्र और स्मारक दिखेंगे, जिसमें शाह सुजा का महल, पीर शाह का मकबरा, चंडी स्थान मंदिर शामिल है। आपको बता दें कि ये देश का पहला किला है जिसके अंदर आबादी बस्ती है। भोजपुरी स्टार एक्टर पवन सिंह की दिखी दरियादिली। भोजपुरी स्टार एक्टर पवन सिंह का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पवन सिंह एक दिव्यांग के साथ सड़क किनारे जमीन पर बैठकर उससे बातचीत कर रहे हैं। दरअसल ये पवन सिंह का फैन है और पिछले तीन दिन से उनके घर पर मिलने के लिए आ रहा था। जब पवन सिंह की नजर दिव्यांग युवक कुंदन पर पड़ी तो उन्होंने उससे इत्मीनान से बात की। युवक ने अपनी इच्छा पवन सिंह को बताई। पवन सिंह को युवक ने बताया कि वो उनके साथ डांस करना चाहता है, जिसे देश और दुनिया देखे। पवन सिंह ने अपने फैन की छोटी सी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हामी भर दी। बातचीत पूरी होते ही कुंदन को घर के भीतर लेके आए और खाना भी खिलाया। फिर महंगा फोन गिफ्ट करके बोले, इसमें सिम कार्ड डालकर मुझसे बात करना, तुम मेरे भाई हो। बिहार में चला विशेष वाहन जांच अभियान। बिहार के विभिन्न जिलों में इन दिनों परिवहन विभाग का डंडा चल रहा है, जिसके तहत ही राजधानी पटना समेत कई जिलों में ताबड़तोड़ विशेष वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान ही हेलमेट, सीट बेल्ट के साथ ही व्यवसायिक वाहनों के फिटनेस और परमिट को लेकर जांच पड़ताल की गई। ये अभियान सभी जिलों में जिला परिवहन पदाधिकारी, MVI और ESI द्वारा संयुक्त रूप से चलाया गया। इस दौरान फिटनेस प्रमाण पत्र अपडेट नहीं पाए जाने, फिटनेस फेल वाहन, बिना परमिट के और बिना हेलमेट सीट बेल्ट के वाहन चलाने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई। जिसके बाद ही अब अभियान के दौरान कुल 1123 वाहनों की जांच में मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत 432 वाहनों पर जुर्माना लगाया गया और 48 वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के उल्लंघन में 11 वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की अनुशंसा की गई। पटना के स्कूलों का बदल गया टाइमिंग। मार्च का महीना इस बार बेहद ही गर्म रहा। इस दौरान ही बिहार के अधिकांश जिलों में जून जुलाई वाली गर्मी का एहसास लोगों को हुआ। अप्रैल महीने में भीषण गर्मी को देखते हुए ही अब पटना के स्कूलों का समय भी बदल दिया गया है, जिसके तहत ही बीते दिन जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सरकारी स्कूल का संचालन मॉर्निंग शिफ्ट में करने का आदेश जारी किया। इसको लेकर पटना के DTO की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार सभी सरकारी स्कूलों को सुबह 6:30 बजे से मॉर्निंग शिफ्ट में चलाया गया। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से प्राइवेट स्कूलों को लेकर अब तक कोई खास जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन इन सब के बीच यह भी आशंका जताई जा रही है कि इस बार गर्मी की छुट्टी भी पहले ही हो जाएगी। इसको लेकर कुछ समय पहले ही आपदा प्रबंधन विभाग ने बैठक की थी। जून से चालू हो जाएगा गंगा एक्सप्रेसवे। बिहार के नीतीश सरकार बिहारवासियों को एक के बाद एक एक्सप्रेसवे की सौगात देने वाली है। इसी के तहत अब जल्द ही बिहारवासियों को दीघा से AN सिन्हा इंस्टीट्यूट तक एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने वाली है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार पटना दीघा दीदारगंज गंगा एक्सप्रेसवे का पार्ट 1 जून से चालू होगा। पहले चरण में दीघा से AN सिन्हा इंस्टीट्यूट के बीच 5.4 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य 31 मई तक पूरा होगा। 1 जून से गाड़ियों का परिचालन शुरू करने की तैयारी है। अब तक 75% काम पूरा हो गया है। खबर लिखे जाने तक अप्रोच रोड का काम 50% अधूरा था। BSRDC के इंजीनियरों के मुताबिक अब तक 3.5 किलोमीटर हाईवे का कालीकरण हो गया है। लालू यादव को फिर से मिला पेशी का आदेश। लालू प्रसाद यादव की ना सेहत उनका साथ दे रही है और ना ही उन पर चल रहे मुकदमे नरम होने का नाम ले रहे हैं। यही कारण भी है कि आए दिन एक के बाद एक उनकी मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है, जिसके तहत ही चारा घोटाले के एक मामले में जेल में बंद लालू यादव को अब पटना की CBI कोर्ट ने रांची के होटवार केंद्रीय कारा को निर्देश जारी किया। इसको लेकर CBI के प्रभारी जज ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद को पटना की कोर्ट में 30 अप्रैल को पेश होने का निर्देश जेल प्रबंधन को दे दिया है। इस मामले में CBI की स्पेशल कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव समेत 3 आरोपितों को अदालत में पेश करने के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया था। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इससे पहले बीमार होने के कारण लालू यादव कोर्ट में पेश नहीं हो सके थे। पटना पहुंचे चिराग पासवान ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। दिल्ली से पटना लौटे चिराग पासवान का पटना एयरपोर्ट पर समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए चिराग पासवान ने केंद्र पर जमकर निशाना साधा। दरअसल हाल ही में चिराग को उनके बंगले से निकाला गया था। इस मामले को लेकर मीडिया कर्मियों ने चिराग पासवान से जब बातचीत की तो उन्होंने कहा कि मुझे बंगले में रहना होता तो संघर्ष का रास्ता नहीं चुनता। मुझे बंगला तो खाली करना ही था, लेकिन सरकार ने घर खाली कराने का जो तरीका अपनाया वो गलत है। मेरे पिताजी की तस्वीरों को रास्ते पर फेंक दिया गया, जो दुखद है। तेजस्वी ने बुलडोजर मॉडल पर दिया बयान।
इन दिनों बिहार में भी बुलडोजर चलाने की खूब चर्चा हो रही है। बिहार भाजपा के नेता भी बार बार राज्य में यूपी के तर्ज पर बुलडोजर मॉडल सरकार लाने की बात कर रहे हैं, यानी कि जिस तरह से यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार चल रही है, उनकी सख्त कार्यशैली को ही बुलडोजर मॉडल का नाम दिया गया। इसी को लेकर अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपना बयान दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं के बयान का मतलब ये तो बिल्कुल यही है कि बिहार में इस समय सर्कस मॉडल सरकार इसलिए चला रही है, भाजपा चाहती है कि बुलडोजर मॉडल आए। भाजपा को यह बताना चाहिए कि क्या बिहार में सर्कस मॉडल है। योगी सरकार को बताना चाहिए कि क्या बेरोजगारी पर बुलडोजर चला, क्राइम पर चला, भ्रष्टाचार पर कहां चला बुलडोजर, योगी क्राइम और बेरोजगारी पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाते। पप्पू यादव ने बिहार में पतंजलि के सभी शोरूम बंद करने की दी धमकी। जा प्रमुख पप्पू यादव अपने विवादित बयान के लिए ही सुर्खियों में रहते हैं। इसी बीच पप्पू यादव ने बाबा रामदेव को खुली चुनौती दे दी है, जिसके तहत ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि वो बिहार में उनकी दुकानों को बंद करवा देंगे। साथ ही उन्होंने रामदेव की कंपनी के उत्पाद को बहिष्कार की अपील भी की है। दरअसल हाल ही में सवाल पूछने पर कि रामदेव ने एक पत्रकार पर गुस्सा हो गए थे, जिस पर ही बीते दिन मीडिया में बातचीत करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि रामदेव बेहतरीन शागिर्द थे, उन्होंने नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने का प्लॉट किया। उस समय रामदेव दावा करते थे कि देश में 30 से 40 रुपए पेट्रोल मिलेगा, लेकिन आज वो महंगाई पर सवाल पूछने पर भड़क जाते हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। राकेश शर्मा 1984 में रूस के अंतरिक्ष यान सोयुज TG-11 से अंतरिक्ष पर जाने वाले प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने। भारत ने पहला वैश्विक दूरसंचार उपग्रह INSAT-1E का प्रक्षेपण 1999 में किया। नेपाल में माओवादियों ने 2006 में संघर्ष विराम की घोषणा की। कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान पर 2016 में वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड को हराकर ICC 2020 विश्व कप को जीता। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की वन अनुसंधान संस्थान में 2017 को 19वां राष्ट्रमंडल वानिकी सम्मेलन शुरू हुआ। स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक कमला देवी चट्टोपाध्याय का 1903 में जन्म हुआ। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल SHFJ मानेकशॉ का 1914 में जन्म हुआ। राजस्थान ने दी मुंबई को मात, भड़ के रोहित। बीते दिन मुंबई और राजस्थान रॉयल्स के बीच में खेले गए मुकाबले में मुंबई को करारी हार का सामना करना पड़ गया। ज्ञात हो IPL 2022 के 9वें मैच में मुंबई इंडियंस को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 23 रन से हार का सामना करना पड़ा है। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान रॉयल्स ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 193 रन बनाए थे। जवाब में मुंबई की टीम 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 170 रन ही बना सकी। लगातार दूसरा मैच हारने के बाद मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा बुरी तरह भड़क गए। मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा का मानना है कि उनकी टीम को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ शनिवार को यहां इंडियन प्रीमियर लीग में अच्छे विकेट पर 194 रन का लक्ष्य हासिल करना चाहिए था। वहीं राजस्थान के जोश बटलर ने शानदार शतक लगाया, ये इस सीजन का पहला शतक भी था। उन्होंने 68 गेंद में 100 रनों की शानदार पारी खेली। पानी में भींगे हुए मोबाइल फोन को खुद ही तुरंत करे ठीक। पानी में गिरने या फिर बारिश में भींग जाने से कई बार स्मार्टफोन के स्पीकर में आवाज आना कम हो जाता है या कई बार बंद हो जाते हैं। अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं या कभी भी ऐसी परेशानी में फंसते हैं तो आप एक आसान तरीके से इससे निकल सकते हैं। इन तरीकों को जानकर आप घर बैठे बैठे आसानी से फोन ठीक कर पाएंगे। ऐसा करने के लिए बस आपको एक ऐप डाउनलोड करने की जरूरत होगी और अपना काम आपका आसानी से हो जाएगा। पानी में फोन भींगने की वजह से खराब हुए स्पीकर को ठीक करने के लिए आप स्पीकर क्लीनर ऐप और फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप दावा है कि ये स्पीकर्स में 80% तक पानी को रिमूव कर देता है। इसके लिए ऐप साउंड वेव का इस्तेमाल करता है। साउंड वेव की वजह से स्पीकर वाइब्रेट करने लगता है और पानी रिमूव हो जाता है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है गैंगस्टर यादव, रंजीत मिश्रा, विकास प्रसाद, कविता कुमारी, परवेज आलम, जितेंद्र ठाकुर, अभय कुमार सिंह, संजय गुप्ता, मनीष कुमार, गुलजार हसन, राहुल कुमार, अविनाश राज। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार का सबसे मशहूर भोजपुरी कलाकार कौन है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।